हाँ भाई, सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे अभी तक, अपन जो वीडियो बना रहे थे वो एक तरह से बिना बोर्ड के बना रहे थे, अर्थात जैसा भी सिस्टम था उस वो आपको बना के दिया जा रहा था। लेकिन अब उसमें हमने कुछ बदलाव किया है और अपन चाह रहे हैं कि अपन इसको तरीके से ब्लैक बोर्ड पर बनाएं, और जहाँ तक उम्मीद है कि आप इसको फ़ायदा कुछ उठा रहे होंगे या थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो जैसा पढ़ रहे हो उसको बनाए रखें। क्योंकि अब वो सिस्टम नहीं है कि भाई नई छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो बात तो है नहीं, अब तो स्कूल आपकी रिकॉर्डली तो ओपन हो चुकी हैं, लेकिन जब तक ये बीमारी का प्रकोप है जब तक स्कूल आना मना है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो जितना पढ़ सकें उसको जारी रखें और वो अपन कर रहे हैं। बात रही आपकी, आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनको समझें, याद करें, और जो नोट्स जो लिखित कार्य है उसको भी साथ साथ करते रहें, ताकि जब हमारा स्कूल खुले और हम विद्यालय आएँ तो उस समय उसको हम शॉर्टली यानी जल्दी से दोबारा से रिवाइज कर सकें, अर्थात अच्छे से समझ में आएगा आपको दोबारा पढ़िए। अब अपन बात करते हैं टॉपिक की, और अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद दूसरी ग्रंथि पढ़ी हमने कौन सी, पीयूष ग्रंथि, पीयूष के बाद हमने पढ़ी थायराइड ग्रंथि, और उसके बाद अब अपन पढ़ रहे थे पैराथायराइड ग्रंथि। और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है इसके अपन बात कर रहे थे, ये जो ग्रंथि है इनकी संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, चार होती है, अर्थात दो दो के समूह में पाई जाती है। और ये होती कहाँ है, ये होती है श्वास नली के दोनों जो आपकी थायराइड ग्रंथि है, इस प्रकार से ये थायराइड ग्रंथि है, ये श्वास नली, और ये जो है ये क्या है थायराइड ग्रंथि, इस प्रकार इस थायराइड ग्रंथि एक बार ये हो रही है इस थायराइड ग्रंथि के अंदर ही, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक, ये चार ग्रंथियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से इसका भी जो हार्मोन है उसको बोलते हैं पैरा हार्मोन, ठीक। और ये पैरा हार्मोन जो है इसके हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं वो आपको बताएंगे। पैरा हार्मोन जो है हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट जो आयन होते हैं उनकी मात्रा का नियमन करता है, अर्थात ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है जबकि फास्फेट स्तर को बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको बताया था कि पैराथायरमोन जो है ये विटामिन डी के संश्लेषण में भी कुछ अपना योगदान देता है, और विटामिन डी का संश्लेषण जब होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत बनेंगी। ये बात अपन कर चुके हैं, अब अपन बात करें यहाँ पे पैराथायरमोन जो है पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है यदि शरीर में कमी हो जाए या इसकी अधिकता हो जाए तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कमी या अधिकता से जो हमारे शरीर पर या स्वास्थ्य जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन बात करेंगे पैराथार्मोन, पैराथार्मोन की अल्प स्रावण, अल्प स्रावण से होने वाले
पैराथायरॉइड के अल्पस्रावण से होने वाले रोग, यानी इस हार्मोन की शरीर में कमी हो जाए तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव। देखिए कह रहा है कि पैराथायरॉइड यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो है इसकी शरीर में कमी हो जाए तो इसमें विशेषकर कब बाल्यावस्था में यदि इसकी शरीर में कमी हो जाए तो इससे क्या होगा कि रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो फास्फेट है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो उसके कारण एक रोग हो जाता है और उस रोग को कहा जाता है क्या, हाइपो कैल्सीमिया किडनी, हाइपोकैल्सीमिया किडनी अर्थात कैल्शियम की कमी से होने वाला टिटनस। टिटनस का मतलब होता है कि इसमें जो बच्चों की जो हाथ पैरों की हड्डियां जो हैं या अस्थियां होती हैं उसको मुड़ने लग जाती हैं अर्थात कमजोर हो जाती हैं, जिससे कौन सा एक बीमारी और हो जाती है जिसको आप रिकेट्स कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि विटामिन डी के संश्लेषण में भी पैराथायरॉइड का कुछ योगदान होता है, लेकिन पैराथायरॉइड जब शरीर में कम हो जाएगा या इसका अल्पस्रावण होगा तो विटामिन डी का इसका जो संश्लेषण है वो भी कम हो जाएगा, और विटामिन डी अगर शरीर में नहीं बनेगा तो बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कमजोर रह जाती हैं या कमजोर रह सकती हैं। और कौन सी बीमारी हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक, इसके अलावा इसका उल्टा दूसरा कार्य क्या है, क्या स्वास्थ्य को क्या प्रभाव पड़ेगा, कब, जब पैराथायरॉइड पैराथायरॉइड के अतिस्रावण से होने वाले, यानी यदि पैराथायरॉइड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि पैराथायरॉइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाने पर रक्त में या रुधिर में कैल्शियम की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, अधिक हो, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है और फास्फेट जो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रक्त के अंदर कैल्शियम कहां से आता है भाई, कह रहा है कि हमारी जो हड्डियां होती हैं या जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों के विघटित होने से, यानी अस्थियां जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे क्षयित होने लग जाती हैं, उनका विघटन होने लग जाता है और विघटन होने से ये कैल्शियम जो है धीरे धीरे किसमें आने लग जाता है, रुधिर में आने लग जाता है। और इस कंडीशन में एक बीमारी हो जाती है, इसको कहते हैं हाइपर कैल्शीमिया, क्या कहेंगे, हाइपर कैल्शीमिया इसको कहते हैं। हाइपो हाइपर, हाइपो का मतलब कमी होना और हाइपर का मतलब अधिक होना। ठीक, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाने से क्या रोग हो जाता है, कौन सा रोग, हाइपर कैल्शीमिया हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट या हम कहते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कह रहे हैं कि हाइपर कैल्शीमिया अर्थात कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो हमारी अस्थियां जो होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है और कोमल हो जाती है। और उस कंडीशन में वो जो रोग होगा उसको क्या कहेंगे, अपन ओस्टियोपोरोसिस, क्या कहेंगे, ओस्टियोपोरोसिस। यहां पे ओस्टियो जो शब्द है इसका मतलब होता है अस्थि और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्रित होना, यानी हड्डियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, छिद्रित हो जाती हैं या उनमें छिद्र हो जाते हैं बारीक बारीक,
अर्थात बहुत ही कमजोर हस्थियां हो जाती हैं और व्यक्ति थोड़ा सा भी चोट लग जाए या गिर जाए तुरंत हड्डियां क्या हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इसलिए इसको नाम क्या देती है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में क्या हो जाना, छिद्र हो जाना या छिद्रित हो जाना। इसके कारण कैल्शियम की अधिकता है। कारण कैल्शियम कब ज्यादा, कब ज्यादा होगा, जब शरीर में या रुधिर में क्या होगा, पैराथायरॉइड का अति स्राव, यानी पैराथायरॉइड की मात्रा रक्त में बढ़ी। ठीक, इसके अलावा और क्या लक्षण दिखते हैं इसके, इसमें कह रहे कि मूत्र में भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है। मूत्र में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है और मूत्र में कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा होगी तो रोगी को प्यास भी क्या लगती है, अधिक लगती है। और इससे क्या होगा, इससे जो वृक्क है अर्थात हमारी जो किडनी है उनमें क्या बन जाती है, पत्थरी बन जाती है। समझ रहे हो, जब पैराथायरॉइड की मात्रा ज्यादा होगी तो कैल्शियम की मात्रा मूत्र में भी ज्यादा हो जाती है, यानी मूत्र के साथ कैल्शियम स्रावित होने लग जाता है और रोगी को प्यास बढ़ जाती है और ये जो कैल्शियम यहाँ से निकला है ये पथरी के रूप में जमा होने लग जाता है। कहाँ, वृक्कों में, क्योंकि पथरी क्या होती है भाई, पथरी जिसको स्टोन बोलते हैं, पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीजेट, कैल्शियम ऑक्सीजेट, ये पथरी का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट, यानी कैल्शियम और वहां पे कुछ एसिड वगैरह होते हैं जैसे टमाटर वगैरह में, वो मिलकर के क्या बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीडेट, यानी पथरी का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस रोग को क्या कहते हैं, संकुटी तंतु में अस्थि विकृति रोग, संकुटी तंतु में अस्थि क्या कह रहा है, जब पथरी का निर्माण हो जाता है तो बीमारी बनती है, क्या कहेंगे अपन, संपूर्ण तंतुमय अस्थि विकृति रोग। ठीक, इसके अलावा कह रहा है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, किसका, पैराथायरॉइड की मात्रा शरीर में जो ज्यादा हो गई है या ज्यादा हो रही है उसका उपचार कैसे किया जाता है, कि उसका उसके उपचार के लिए क्या करते हैं कि पैराथायरॉइड की जो पैराथायरॉइड ग्रंथि की जो बढ़ी हुई मात्रा है उसको शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा काट करके वहां से हटा दिया जाता है। ठीक, ये हो गई आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि। उसके बाद अगली हमारी ग्रंथि है थाइमस। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, कहाँ होती है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है और उस हार्मोन की क्या कार्य है, उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, उस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसमें पड़ेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं थाइमस ग्रंथि तो होती कहाँ है। कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि जो है वो हमारे चेस्ट भाग में अर्थात छाती वाला भाग है उसमें श्वास नली के दोनों ओर अग्रभाग में पाई जाती है। अर्थात अपने इस प्रकार से देखते श्वास नली जो फेफड़ों में जा रही है यहां पे, कहां होती है थाइमस ग्रंथि, कहां होती है श्वास नली के दोनों, श्वास नली जो श्वास नलियां हैं इनकी यहां पे यानी एक तरह से फेफड़ों के मध्य में चेस्ट भाग में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि जो है इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो होता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन। ठीक, इसके अलावा और क्या बता रहा है इसके बारे में, थाइमस जो ग्रंथि है इसका विकास कहां से हुआ है, यानी भ्रूणीय विकास के दौरान या भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया में इस हार्मोन का
इस ग्रंथि का विकास होता है एंडोडर्म से। कहां से? एंडोडर्म। मैंने आपको पहले बताया था कि जब निषेचनी क्रिया होती है, नर और मादा युग्म मिलते हैं तो निषेचन के बाद भ्रूण बनता है और युग्मनज बनता है, युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद शिशु बनता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये बोलने में इतनी आसान है, लेकिन ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारे परिवर्तन इसमें आते जाते हैं। जैसे विदलन की क्रिया होती है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, मोरूला बनता है। वो स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे आगे। इसमें हमारा सेशन 30 के बाद में 31, 32, 33, 34 चार लेसन सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान अपने को ये रखना है कि जो गैस्ट्रुलेशन जो अवस्था आती है, अर्थात गैस्ट्रुला जब बनता है तो उस समय जो भ्रूणीय स्थिति है वो तीन परतों में बदल जाती है। मैं बताया था आपको, सबसे आंतरिक जो परत है उसको एंडोडर्म, बीच वाले को मेजोडर्म और बाहर वाले को एक्टोडर्म कहते हैं। तो प्रत्येक परत से आगे चल करके शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। तो अब अपन बात करें कि थाइमस ग्रंथि का निर्माण किससे होता है, तो हम पढ़ेंगे एंडोडर्म जो है उससे थाइमोसिन ग्रंथि का निर्माण, या सॉरी थाइमस ग्रंथि का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक बात और ध्यान दें, कह रहा है कि थाइमोसिन जो थाइमस जो ग्रंथि है इसमें काम क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, नाम सुना होगा आपने टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है कि जो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, और प्रतिरक्षा तंत्र में जो WBC है उस WBC में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, यानी अपने ये कहते हैं कि कणिकामय और कणिका विहीन। जो कणिका विहीन कोशिकाएं होती हैं उसमें होती है लिम्फोसाइट, और ये टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं का जो परिपक्वन है, इन कोशिकाओं का जो परिपक्वन है वो किसमें होता है, थाइमस में। क्या कह रहा हूं मैं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्वन किसमें होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। इसलिए थाइमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र, ठीक, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र। आज इतना ही, इसके बाद अपन अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक, धन्यवाद।